हेलो फ्रेंड्स, आदर्श रसोई में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लेकर आए हैं सुपर टेस्टी चिकन रेसिपी। तो बिना देर किए चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें यहाँ पे मसाले को रेडी कर लेना है। हमने यहाँ पे लिया है 1 इंच अदरक का टुकड़ा, 15-20 लहसुन की कलियाँ, 1 चम्मच लिया है साबुत धनिया, आधा चम्मच साबुत जीरा, लौंग, इलायची, दालचीनी का टुकड़ा, उसके बाद यहाँ पे लाल मिर्च लिए हैं। इसे मिक्सी जार में डालकर और पीस लेंगे। उसके बाद हमें लेना है यहाँ पे तेल। हमने यहाँ पे 5-6 चम्मच सरसों का तेल लिए हैं, आप जो खाते हैं उसे यूज कर सकते हैं। तेल गर्म होने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे 1 छोटा चम्मच साबुत जीरा, लाल मिर्च, तेजपत्ता और हमने यहाँ पे खड़ा लहसुन की कलियाँ को ऐड किया है। इसे अच्छा से भूनने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे प्याज। हमने यहाँ पे 3 प्याज को काट लिए थे, इसे अच्छा से मिला लेंगे। उसके बाद हम इसमें यहीं पे ऐड करेंगे स्वाद के अनुसार नमक। नमक हमें यहीं पे ऐड कर देना है, इससे प्याज हमारा बहुत ही अच्छा से सॉफ्ट हो जाएगा, एकदम बिल्कुल गल जाएगा। अब हम इसमें ऐड करेंगे यहाँ पे लहसुन। हमने यहाँ पे 4 लहसुन को ऐड किया है, इसे टेस्ट बहुत ही अच्छा लगता है। अच्छा से भूनने के बाद अब हम इसमें ऐड करेंगे चिकन। हमारा प्याज बहुत ही अच्छा से भून गया है, इसे जलाना नहीं है, बस इतना परफेक्ट है। अब इसे अच्छा से मिला लेंगे और इसे ढक्कन लगाकर प्याज के साथ ही 4-5 मिनट तक इसे अच्छा से भून लेना है। उसके बाद देखिए हमारा चिकन का कलर भी चेंज हो गया है, एकदम बढ़िया सा भून गया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे मसाले जो हमने पीस कर रखा था। उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे 1 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। ये कलर के लिए होता है, तीखा नहीं होता है, इससे कलर बहुत ही अच्छा आता है। अब इसे अच्छा से मिला लेंगे। उसके बाद हम इसमें ढक्कन लगाकर 20-25 मिनट तक मीडियम फ्लेम पर पकाएंगे। यही इसका खास बात है, इसे चिकन बहुत ही टेस्टी बनता है। इसे मीडियम फ्लेम पर ही पकाना है और देखिए कितना बढ़िया हमारा चिकन बनकर रेडी हो गया है, बिल्कुल गल गया है, प्याज भी बिल्कुल गल कर चिकन में मिल गया है। अब इसे अच्छा से चला लेंगे। उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे पानी। पानी आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं, जितना आपको ग्रेवी चाहिए। हमने यहाँ पे 1.5 गिलास पानी ऐड किया है। उसके बाद इसे एक बार अच्छा से मिला लेंगे। उसके बाद इसमें ढक्कन लगाकर उबाल आने तक इसे अच्छा से पकाएंगे। इसमें अच्छा से उबाल आने के बाद देखिए कितना बढ़िया हमारा चिकन रेडी हो गया है, देखिए कितना टेस्टी लग रहा है। अब इसमें हम ऐड करेंगे थोड़ा सा हरा धनिया और गैस का फ्लेम कर देंगे बंद। अब हमारा सुपर इजी सुपर टेस्टी चिकन बनकर रेडी हो गया है। अब हम इसे करेंगे सर्व। आप भी ज़रूर ट्राई करिएगा, बहुत ही बढ़िया चिकन बनता है, बहुत ही टेस्टी बना था हमारा चिकन। अगर हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए।